नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के अंदर जो समस्याएं सामने आ रही है, सबसे बड़ी समस्या एक चिड़ावा के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि पीने का जो पानी है उसकी समस्या उभर कर आ रही है, वो भी एक अलग अलग वार्डों से। ऐसा नहीं है कि एक ही वार्ड में समस्या है, 13 नंबर वार्ड में, 40 नंबर वार्ड में, और अभी जहां हम पहुंचे हैं वहां पर चार वार्डों का आवागमन है। पर वार्ड बता देता हूं मैं आपको, वार्ड नंबर 9 है, 16 है, 20 है और 15 नंबर है। तो चार वार्डों का एक जगह एक मोहल्ले में होना और उसके बाद में पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या है जो कि बहुत ही गंभीर है। तो यहाँ पर कुछ वार्डवासी है, कुछ मोहल्लेवासी है, उनसे बातचीत करते हैं और क्या समस्या है उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, कहाँ तक उन्होंने आवाज उठाई है और क्या उस पर अमल हुआ या नहीं, वो भी पूरी जानकारी लेते हैं। आइए, कुछ मोहल्लेवासी है उनसे जानते हैं। हम लोग इकट्ठे होके और वाटर बॉक्स में गए थे जी, और ये करीब 3-4 दिन पहले की बात है क्या भाई लोगों? 8-9 दिन पहले गए थे जी। तभी अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। तो हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि कृपया इस गंदे पानी को हमें न पिलाया जाए। मेन क्या समस्या है, कितने दिनों से बनी हुई है? 10 दिन से हमारे समस्या है, पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। पानी समस्या है, गंदा पानी है। पानी आता है या नहीं आता है? पानी गंदा आता है, गंदी आता है, दूषित आता है, गंदी आता है, दूषित आता है पानी। ये समस्या लास्ट 10 दिन से बनी हुई है। पीने का पानी आता है वो भी कम मात्रा में आता है, और साथ ही वो पानी आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है। आपने शिकायत की क्या कहीं? जलदाई विभाग में 2 बार शिकायत करवा दी। वहाँ से क्या जवाब मिला? वहाँ से जवाब मिला कि हम इसकी छानबीन कर रहे हैं, इसको तहकीकात करेंगे, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई भी चेक करने के लिए नहीं आया। मतलब 10 दिन हो गए, तो 10 दिन में छानबीन क्या समस्या का निवारण हो जाना चाहिए? समस्या ये पीने के पानी की है। हाँ। तो पीने का पानी तो अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत ज्यादा बहुत इसेंशियल आइटम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने जैसे शिकायत की जलदाय विभाग, वहाँ से क्या जवाब मिला आपको? वहाँ से बोला कि हम किसी प्रतिनिधि को अपने भेजेंगे, वहाँ से वो चेक करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा आपके नहीं हुआ। जो वार्ड जो पार्षद है उनको अवगत कराया समस्या? उनको भी अवगत करा दिया है सबको। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला कि आप जलदाय विभाग में जाकर अपनी रिपोर्ट चेक कराओ, उसके बाद हम आपको देखते हैं। मतलब खुद कुछ नहीं करना, आपको करना है जो करना है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है जी। 10 दिन से वार्ड नंबर 20 और पास में वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 16 एक दिन लगते हैं, इन सब में पानी बहुत कम आ रहा है, और आ रहा है वो भी बहुत प्रदूषित आ रहा है। जलदाय विभाग को भी शिकायत करके सामूहिक कंप्लेंट दर्ज करवाई, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं है। अपने वार्ड वासियों को, जो जनप्रतिनिधि है आपके जो वार्ड के, हाँ जी, तो उनको भी समस्या से अवगत करवाया या नहीं करवाया? उनको समस्या से अवगत करवाया, वो सिर्फ चुनाव में दिखते हैं, अब कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। तो जो पानी की समस्या बनी हुई है कितने दिनों से बनी हुई है? ये बस समस्या तो काफी दिनों से बनी हुई है, परंतु कम आ रहा था वो भी अब प्रदूषित पानी आने लग गया है 10 दिन से जी। अब लोगों को टैंकर से पानी मंगाना पड़ रहा है, कोई पीने का कहीं से ला रहा है, बड़ी समस्या हो रहा है। कोई 2-3 दिन लाता नहीं है, नहाता है तो कहीं दूर जाके ला के आता है, बड़ी समस्या गंभीर बनी हुई है जी। और इधर सीवरेज लाइन बनी हुई है, ये सब ओवरफ्लो हो रहे हैं, अगर इनके प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। जलदाय विभाग में जाते हैं, अधिकारी नजारत मिलते हैं, वहाँ गया था एक प्रकाश नाम का बाबू मिला, वो गया आपकी दुरुस्त करा दी जाएगी। अय्यन साहब से मोबाइल पर काफी बार बात की, बोले आज करवा रहे हैं कल करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ जी। पानी एकदम सब गंदा आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं है। कितना दिन से आ रहे हैं? 10 दिन हो गया। पहले तो हम तो कम पानी की समस्या तो हमारे हरदम ही रहती, और जब पानी आयो थोड़ा बहुत तो एकदम से गंदा हो गया, पीने लायक नहीं, पी बीमार हो गया। और क्या बताएं, इससे ज्यादा सीवर पानी तान दिखा दियो, कहीं ढूंढ रहे हैं तो वे सीवर से आ रहे, कहीं आ रहे भाई, ते देखो और कोई सुनाई को नहीं करे। मैंने तो क्या समस्या है मेरे मार, तो भाई गंदा पानी आओ, मैं तो बीमार आदमी हाँ, देखो बुढ़ा वडेरा हो रहा है, भी बीमार हो रहे, मैं बीमार हो। पानी कड़े से लाओ दे, तो बीमार होगा, पी पी पानी ने, फिल्टर पानी 20 रुपए एक बाल्टी, रोटी पवा खावा पीवा, पानी तो आवे इधर मंदो वो खराब आ 10 दिनों, साबुन को सो वो के यूज करा, तो वो के करा, कोई गबुल तो पानी आवे, लेकिन गंदो पानी आवे, गंदो आवे, वो तो आवे भी कम है, बहुत कम आवे हमारे तो, पानी भी कमी आवे, हमारे तो कमी आवे भाई, मत 4 घंटा चाले तो ही भाई एक टंकी तेरा पानी को नहीं आओगे? नहीं
कितना दिन से बना रहे हो पानी? भाई मार तो पानी 5 दिन 12 महीना। आपका वार्ड कौन सा है? वार्ड 35। वार्ड नंबर 35। हाँ, तो क्या समस्या है? समस्या ये है करीब 2 महीने से पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। 2 महीने से? 2 महीने। तो अभी पानी कहाँ से व्यवस्था करते हो आप लोग? पानी ये सार्वजनिक नल पे से ले जाते हैं या टैंकर गिरवाते हैं? टैंकर गिरवाते हैं या सार्वजनिक नल से? तो अभी तो लाइन लगी हुई है गौशाला के अंदर, तो यहाँ से पानी ले जाया जा रहा है? ले जाया जा रहा है। तो अपने वार्ड पार्षद को अपने समस्या से अवगत नहीं करवाया? दो बार जा करके और वाटर वर्क्स में भी शिकायत दे दी लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। और वार्ड पार्षद ने क्या कहा? ये कह रहे हैं कि भाई अब समाधान करवाएंगे वाटर वर्क से, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है, न कोई सुनाई हो रही। वाटर वर्क्स में आपने कब समस्या का जिक्र किया था, कब समस्या से अवगत करवाया था? 2 बार जाया है वाटर वर्क्स में, एक तो 28 उसको गए थे। अभी लास्ट टाइम कब गए थे? अब 5-6 दिन हो गए। क्या कहा था उन्होंने? करवाएंगे। अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ? नहीं। सर, अपने चिड़ावा शहर में कुछ वार्डों में पीने के पानी है तो समस्या है, गंदा पानी आ रहा है, प्रदूषित पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। जैसे वार्ड नंबर 40 ले लो, वार्ड नंबर 16 है, वार्ड नंबर 9 है, वार्ड नंबर 15 है, 2-4 वार्ड तो एक ही मोहल्ले के हैं, तो उनमें पब्लिक की जो समस्या है, जनता की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। एक तो कोरोना की दूसरी लहर है, सही बात, वो भी एक खतरनाक ही है, और दूसरा ऊपर से पीने के पानी की समस्या हो गई, तो वासियों के लिए ये समस्या हो गई कि कौन सी चीज़ से लड़े। जल्दी से जल्दी इसका निवारण कर दिया जाएगा। जॉइंट अभी स्टोर में आए नहीं थे, जॉइंट आज मैंने मंगा लिए हैं। गंदे पानी की समस्या कई दिन से थी जी, और आज जोशियों के बगीचे में जो लाइन लीकेज हो रही है जिससे गंदे पानी की समस्या काफी दिनों से है जी, वो आज मैं लेबर लगा के वहाँ पर दुरुस्त करवा दूंगा शाम तक। और जो आप 2 वार्डों की ओर बता रहे हो ना जी, वो मैं रेगुलरली कल की तारीख की और परसों के 2 दिन के अंदर अंदर सारे लीकेज खत्म करवा दूंगा। वार्ड नंबर 40 और वार्ड नंबर 13 भी वहाँ भी थोड़ी अभी फिलहाल मतलब कि जस्ट ही 2 दिन पहले भी एक वार्ड नंबर 3 में भी, बिल्कुल 3 में, तो वो मैंने सुबह मैं लोकेशन चेक करके आया था, लोकेशन चेक करके और वहाँ पर लीकेज ढूंढ के शाम तक मैंने क्लियर करवा दिया था वहाँ। बिल्कुल, उसकी भी हमने खबर प्रकाशित की थी और उस पर एक्शन लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यही चाहते हैं कि जो वार्डवासियों की समस्या है पीने के पानी तुरंत की, तुरंत प्रभाव से, आप भी समझते हैं कि पीने का पानी कितना जरूरी है, सही बात है, तुरंत प्रभाव से करवा दिया जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर विनती करते हैं कि समस्या पर थोड़ा ध्यान दे प्राइवेट। बिल्कुल, धन्यवाद सर, वेलकम। तो दोस्तों, ये थे 4 वार्डों की एक सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की। 4 वार्ड पार्षद है और चारों ही यहाँ के जो वार्डवासी है उनके द्वारा समस्या से अवगत करवाया गया है चारों पार्षदों को। हो सकता है कि एक या दो को नहीं अवगत करवाया गया हो, लेकिन 2 या 3 को तो जरूर अवगत करवाया गया है। वाटर वर्क्स को भी अवगत करवाया गया है समस्या से निवारण, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक। अभी प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि समस्या का निवारण जल्दी से जल्द करवाया जाए, क्योंकि पीने का जो पानी है वो आपको पता है कितना ज़रूरी है और रोज़ उसकी ज़रूरत होती है, तो उसके बगैर तो रह पाना इम्पॉसिबल है, ये आप भी समझते हैं। प्रशासन से एक बार फिर यही अपील करेंगे कि इस और इस वार्ड में ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जनता यहाँ की बिल्कुल परेशान है। और वार्ड पार्षद कहाँ है कहाँ नहीं, उनसे निवेदन करते हैं कि इस ओर ध्यान दे। धन्यवाद।